और इस सियासी संग्राम का हर अपडेट हमने आपको दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर राज्यों की पुलिस मोहरा क्यों बन जाती है? जांच एजेंसी को तो निष्पक्ष होना चाहिए। ये पहला मामला भी है नहीं जब राज्य सरकार पर पुलिस के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा हो। सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड देश की राजनीति के लिए खतरनाक नहीं है? अब जो भी आवाज उठाएगा केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल उसके साथ ऐसा ही करेगा। केजरीवाल उनको प्यार करेगा जो ताहिर जैसे लोग हैं, जो घरों में बम रखते हैं वैसे लोग उसको प्यारे हैं, जो सच के साथ खड़े होते हैं, जो उसको एक्सपोज करते हैं वो उसके दुश्मन होते हैं। तेजिंदर बग्गा की मां का बयान सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वार कर रहा है। आरोप है कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई सियासी मकसद पूरा करने के लिए हुई है। ऐसे ही आरोप कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग दिल्ली में अपने विरोधी, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूं, पंजाब पुलिस का तमाशा मत बनाइए। लेकिन पंजाब पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वीडियो भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क नहीं किया और सीधा गिरफ्तारी करने पहुंच गए। दोनों का मामला है, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का मामला है। वो यहाँ बताने आए थे, इन्फॉर्मेशन लेने आए थे, उनको यहीं बिठा लिया। बाकी लोग वहाँ देते हैं थी। गिरफ्तार करने से पहले इंटीमेट किया जाता ना, उसके बाद तो नहीं किया जाता। नहीं, दो टीमें आई हैं, एक टीम वहाँ रुक गई और ये यहाँ बताने के लिए आ गई। इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि पंजाब पुलिस ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है। ये दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस ने श्री बग्गा की गिरफ्तारी से पहले कोई न्यूज नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने हमको इंटीमेट किया होता तो हमें क्या दिक्कत थी? रोजाना कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई होती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दूसरे राज्यों में गिरफ्तारी का नियम भी जान लीजिए। स्थानीय पुलिस से संपर्क करना जरूरी है। FIR की कॉपी स्थानीय भाषा में होगी, स्थानीय पुलिस की मदद इसमें लेनी होगी। तलाशी के दौरान स्वतंत्र गवाह मौजूद रहेंगे। आरोपी को वकील से सलाह का मौका मिलेगा। वापसी से पहले स्थानीय थाने जाना जरूरी होगा। स्थानीय थाने की डेली डायरी में एंट्री होगी। 24 घंटे में नजदीकी कोर्ट में पेशी भी जरूरी है। आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी है। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के पास जाती है, उनसे संपर्क करके समन्वय करके फिर जाके जो करना होता करना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस वो रिमांड लेके इनको देती, ट्रांजिट रिमांड ही अपना लेके जाते या स्वयं भी ट्रांजिट रिमांड ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से असंवैधानिक काम करना तो बिल्कुल ही देश हित में नहीं है। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा सियासी इशारे पर किया गया? विरोधी ताना मार रहे हैं कि आप BJP की राह पर ही हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा से सीख कर ये चाले चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई कि किस तरह से गुजरात के चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी जी को असम में जाकर गुजरात की पुलिस पकड़ती है। जिस जिग्नेश मेवानी केस का जिक्र अलका लांबा कर रही है, वो 20 अप्रैल 2022 की घटना है, जब असम पुलिस द्वारा पालनपुर सर्किट हाउस से मेवानी को गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले जाया गया था। मेवानी पर PM मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप था, लेकिन तब जांच एजेंसियां इस तरह आमने सामने नहीं आई थी जैसे अब आई हैं। सेक्शन 41 CRPC में जरूर है ये प्रावधान कि भाई पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है, लेकिन जिस तरीके से आए और जैसे उन्होंने अरेस्ट किया, ये तो बहुत ही अवैध तरीके से घर में गए, जैसा कि पता लगा है घर में गए, उनको पकड़ के ले गए, ये पंजाब पुलिस की सरासर जाती है। देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे लग रहा है कि कानून को सियासत चलाने का हथियार बनाया जा रहा है, जबकि उसे निष्पक्ष होना चाहिए। चाहे नवनीत राणा की गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका हो या महाराष्ट्र और बंगाल में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की तकरार, अब एक बार फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कानून से खिलवाड़ देश को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नेताओं की आपस में लड़ाई देखी है और उसको एक बार के लिए आप हजम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देश का सिस्टम, राज्यों का सिस्टम, पुलिस एक दूसरे से लड़ने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ABP News आपको रखे आगे।